मॉनसून की दस्तक के बाद प्रदेश में लगातार हो रही भारी बारिश के बीच मौसम विभाग ने एक बार फिर से पूर्वानुमान जारी किया है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक एक से दो दिनों तक प्रदेश के अधिकांश इलाकों में भारी बारिश भी देखने को मिल सकती है। हालांकि अन्य जनपदों में हल्की से मध्यम बारिश के आसार नजर आ रहे हैं और इसी को लेकर मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि आने वाले दो दिनों तक पिथौरागढ़, चमोली और नैनीताल जनपद को येलो अलर्ट में रखा गया है, तो वहीं बागेश्वर में इस दौरान ऑरेंज अलर्ट रहेगा। साथ ही इस दौरान भारी बारिश के चलते मौसम विभाग ने आम जनता को सतर्क रहने की हिदायत दी है। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। आगे अगर बात करें तो आज 17 तारीख आपकी है, तो 17 और 18 में जो पहले भी बोला गया था कि थोड़ी जो एक्टिविटी इस दौरान बढ़ेगी, जो अभी एक निम्न दबाव का क्षेत्र या जो डिप्रेशन जो है गंगटिक वेस्ट बंगाल पे बना हुआ था, तो वो अब आगे को थोड़ा मूव करेगा और हालांकि वो वीक पड़ जाएगा, काफ़ी वीक पड़ जाएगा, पर उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो एक्टिविटी थोड़ी सी हो मिलने वाली है प्रदेश में। तो आज 17 और 18 के दो दिन की बात कर रहे हैं तो अनेक जगहों तक में हल्की मध्यम बारिश की वो संभावना है। जहां तक भारी बारिश की बात करें, वार्निंग की बात करें, तो येलो में आप ये कह सकते हैं कि जो हमारा पिथौरागढ़ है या इसी तरह चमोली डिस्ट्रिक्ट है या नैनीताल है, उसको रखा गया है येलो वार्निंग में रखा गया, या इंटेंस शावर है और जगह भी जो हिल्स में अगर बात करूं तो उसकी बिल्कुल संभावना है। तो आज 17 तारीख को आप ये कह सकते हैं कि इस तरह की एक्टिविटी है। और बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में थोड़ा दिख रहा है कि वहाँ थोड़ा ज़्यादा, तो वेरी हैवी तक भी इक्का दुक्का वहाँ हो सकता मिल जाए, तो उसको ऑरेंज में भी आज हमने रखा है। तो बाकी अगर देखें तो येलो वार्निंग मैंने कल जा रहे हैं 18 को, तब भी एक्टिविटी लाइट से मॉडरेट में कहूँगा कि अनेक जगहों तक मैं हिल्स में विशेषकर वो मिलनी चाहिए। और हैवी रेन की बात करें तो हमारे जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट है जिसमें कि उत्तरकाशी